ये सारे कपड़े ना रात को मैं मगरिब के टाइम धो रही थी। मगरिब के बाद फिर ये सारे धो के फिर मैं हटी। मैंने चला सुबह तक सूखते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ नजान, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल यतीम लड़की की लाइफ। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे जी। और वेलकम टू माय व्लॉग, ठीक है जी। और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं, खुश होंगे, आबाद होंगे। इस दुआ से करते हैं जी आज के ब्लॉग का आगाज़। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा दे, तमाम भी औलादों को औलाद दे, और तमाम बेरोज़गार भाइयों को अच्छा सा रोज़गार अता फरमाए। और देश परदेश से जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, आबाद रखे, उनकी रिस्क रोज़ी में बरकत दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन जी। अगर इस दुआ के साथ करते हैं जी आज के ब्लॉग का आगाज़। और आज हैं जी थोड़े थोड़े बादल और हवा भी है, और ठंड भी बड़ी सख्त हुई है। उसके बावजूद मैं व्लॉग बनाने के लिए मुझे अपनी जर्सी उतारनी पड़ी। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा, हाथ मेरे इस वक्त सुन्न हो रहे हैं ठंड से, इतनी ठंड है। अभी धूप हल्की सी नज़र आ रही है किरण, लेकिन आज की धूप में तपश नहीं है ज़रा सी भी। लेकिन ये मौसम जो है ना, फिर भी कुछ अच्छा हो गया है। अच्छा क्या हो गया वैसे तो खुश्क सर्दी है, क्या अच्छा हो गया। लेकिन गर्मियों की नस्बत ठंड वाला मौसम है तो अच्छा है, बीमारियों का मौसम लेकिन है अच्छा। बीमारियाँ तो है ना, ये खुश्क सर्दी की वजह से सब बीमार हैं, बड़े बूढ़े बच्चे सब। कोई किसी को जुकाम है, किसी को बुखार भी है साथ में, कोई खांसी का है। खांसी तो ऐसी है ना, खांसी तो जान ने छोड़ ली। वो खांसी से याद है रात को अहमद को इतनी सख्त खांसी हो गई थी, सारी रात बेचारा खांसता रहा। वो खांसी वाला सिरप भी उसको दिया, उससे भी कुछ नहीं फ़र्क उसको पड़ा। फिर उसको शहद चटाई, उससे भी नहीं फ़र्क पड़ा, वो कुछ समझ नहीं आ रही थी करेगा। उसके बाद विक्स थी मेरे पास, तो विक्स जो है ना वो मैंने उसको यहाँ पे उसके चेस्ट पे ना यहाँ पे रब की विक्स थोड़ी देर के लिए कि शायद हीट अप हो, तो हल्का सा थोड़ा सा उससे बेहतर हुआ। उसके बाद मैं फिर मुसलसल उसके चेस्ट पे ना अपने हाथ से रब करना शुरू होगी ताकि ये जो है ना गर्म हो इसकी चेस्ट और ये खांसी इसकी रुके। तो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि जब जितना मैंने उसको रब किया है ना, ज़्यादा जितना मैंने हाथ से उसको रब किया है यहाँ पे, और उसकी जो चेस्ट कर गया वो हीट अप हुआ है, उसकी वजह से जो है ना उसकी खांसी रुकी। तो फिर रात को बेचारा सुकून से सो पाया, नहीं तो खांसी इतनी शदीद थी, इतनी शदीद थी ना कि एक एक मिनट के बाद एक एक मिनट के बाद खांसी हो रही थी, ऐसी खांसी थी। तो ये कि शुक्र है अल्लाह का, जब मैंने रब किया तो उसको नींद अच्छे से आ गई है, ठीक है। लेकिन ये कि तबीयत अभी भी उसकी कुछ सीख नहीं है, कंप्लीट बुखार उसका उतर नहीं रहा है। पता नहीं क्या वजह है क्या नहीं। डॉक्टर ने तो बोला था कि दवाइयों से जल्दी उतर जाएगा, लेकिन कोई पता नहीं क्यों नहीं उतर अभी तक। अब आप लोग दुआ करें कि जल्द से जल्द अहमद का बुखार जो है ना कम्प्लीट उतर जाए, क्योंकि इंजेक्शन जितने डॉक्टर ने बोले थे वो भी लगवा लिए हैं, मेडिसिन भी जो है दूसरा दिन दे रहे हैं, लेकिन बुखार जो है ना वो इतना ख़ास जो है ना वो बता नहीं रहा है कि ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा। और आपको पता है जब बच्चे बीमार हों तो फिर माँ बाप की नींदें कैसी हो जाती हैं, ये ना सोने वाली नींद। रात को अहमद के बाबा जो है ना वो भी परेशान थे, मैं भी परेशान थी, क्योंकि इतनी इसको खांसी हो रही थी ना कि वो सो नहीं पा रहा था, और टेम्परेचर जो है ना वो भी था उसको बुखार, तो वो भी परेशान थे कि पता नहीं बुखार ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह। तो बस आप सब लोगों से दुआ की अपील है कि दुआ करें कि जल्द से जल्द अहमद जो है ना वो ठीक हो जाए। तो अभी मैं चलती हूँ, मेरा दिल है नीचे, अपना करते हैं जी मॉर्निंग का व्लॉग स्टार्ट, ठीक है। तो अपना मॉर्निंग का व्लॉग कंप्लीट करते हैं और साथ ही अपलोडिंग पे लगा दूंगी, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं है, 9 बजे लाइट चली जाए तो मसला बन जाता है, इसलिए जल्दी से फटाफट से चलते हैं नीचे, करते हैं जी अपना व्लॉग स्टार्ट और काम करते हैं अपना फिनिश। ठीक है, कपड़े जो है ना वो मैं कल शाम को धो लिए थे, ये वाले जो थोड़े रह गए हैं ना क्योंकि अंधेरा ज़्यादा हो गया था तो इसलिए बाकी नहीं धोए। ये देख सकते हैं ये जो धोए, अभी तारों के दूसरी साइड पे भी हैं, लेकिन ये यहाँ से तार इतनी नज़र आ रही है ना इसलिए। तो अभी चलते हैं, करते हैं अपने काम का आगाज़। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी, और अच्छे अच्छे कमेंट करें और अहमद के लिए दुआ करें, ढेर सारी दुआ करें, जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, ठीक है जी, क्योंकि उसकी ये दुआ चाहिए मुझे और तो कुछ भी नहीं, बस दुआ करेंगे तो सब ठीक हो जाए। कहते हैं ना दुआएं बहुत कुछ करती हैं, दुआओं में बहुत असर होता है। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे,
जी बस काम हो गया है मेरा कंप्लीट, मैं वापस आ गई हूँ छत पे। चिड़िया मेरी कह रही हैं वेट अपने खाने का, क्योंकि उनको भी खाना देना है। उनके वो कह रही है मेरे वेट, और उनकी प्लेट होगी साफ, उनकी साफ होगी प्लेट, है ना। तो अभी चलते हैं जी नीचे, करते हैं गपशप नीचे चल के चिड़ियों से, अहमद से, और बनाते हैं नाश्ता, अहमद को देंगे नाश्ता, अहमद को नाश्ता देते हैं, जल्दी से बना लेते हैं नाश्ता। आज भी बहुत से काम बाकी हैं, आज हमें कुछ घर का सामान शाम लेके आना है। सामान क्या है, आग जलाने का बंदोबस्त करना है, लकड़ जो सूखी थी वो ख़त्म हो गई, ये गीली पड़ी है, बहुत मुश्किल से रात को भी जली थी, कल भी और परसों आज रात की, तो आज सूखी लकड़ का करते हैं अरेंज थोड़ा सा, और चलते हैं नीचे अपना करते हैं काम कंप्लीट। और आप लोगों ने बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इस वक्त मेरा सांस फूला हुआ है, इस वजह से कुछ ठंड भी लग रही है, इसलिए मेरे से सही तरह बात नहीं हो पा रही। बाकी आप लोगों ने बताना है आपको आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, और लाइक और कमेंट शेयर ढेर सारे करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। ढेर सारा लाइक कमेंट और शेयर करना है आप लोगों ने, ठीक है, ताकि मेरी वीडियो आगे जा सके, ठीक है, और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ठीक है जी। और अभी करते हैं हम अपने ब्लॉग का यहाँ पर एंड, ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और हाँ, कल इवनिंग के ब्लॉग का लाजमी मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें और बताएं कैसा लगा।